निर्भया के दोषी पवन की याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब एक और कदम जो है वो आगे फांसी के फंदे की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका खारिज की है। वारदात के वक्त नाबालिग होने की अपील खारिज हुई है, तो यहां पर नाबालिग की आड़ में अपने आप का बचाव करने की कोशिश दोषी पवन की तरफ से हुई थी, लेकिन अब एक और झटका यहां पर और फांसी के फंदे की तरफ एक कदम और आगे बढ़ता हुआ ये पूरा मामला। आपको बता दें कि 1 फरवरी को इन दोषियों को फांसी की सजा होनी है, लेकिन उससे पहले तमाम पैंतरे इन दोषियों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब निर्भया के दोषी पवन की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो नाबालिग की आड़ में खुद के बचाव की कोशिश यहां पर की गई थी, वारदात के वक्त नाबालिग होने की अपील जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो निर्भया केस में दोषी पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। एक लंबा संघर्ष निर्भया के मां बाप और पूरे देश ने यहां पर लड़ा था और अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उससे पहले दोषी अपने आप के बचाव में उतर रहे हैं और एक के बाद एक पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और इसी बीच हमारे साथ अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार जो है अपने बचाव की कोशिश में ये दोषी जुटे हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को झटका लगा है, पवन की याचिका को खारिज किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लीगल प्रोसेस का मजाक इनके द्वारा उड़ाया जा रहा था कि रिव्यू पिटीशन खारिज हुई, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई, उसके बाद हाईकोर्ट चले गए, डेथ वारंट अगेंस्ट पे 14 दिन का टाइम मांगने लगे, फिर तमाम मर्सी पिटीशन का बहाना लेकर के इन्होंने पिटीशन लगाई कि मर्सी पिटीशन खारिज होने से फाइनल डिपार्चर के लिए 14 दिन का टाइम चाहिए। अब फिर एक नए प्ली के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में आए कि जो पवन है, पवन जुवेनाइल था जिस दिन ऑफेंस हुआ, और जो हमारे यहाँ का जुवेनाइल लॉ है उसके मुताबिक जो है डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट जुवेनाइल के लिए 3 साल का है। तो अचानक से एक नई प्ली आई, तो कोर्ट ने इसको बिल्कुल, क्योंकि किसी भी इशू में जब ट्रायल होने लगता है तो ट्रायल के समय जितने भी एविडेंसेस होते हैं, चाहे कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस हो, सब्सटेंशियल एविडेंसेस हो, या हियरसे एविडेंसेस हो, जो भी एविडेंसेस होते हैं वो उस समय दिए जाते हैं। तो ये अचानक से प्ली ला करके ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको लिंगर ऑन करने की एक कोशिश की जा रही है, तो कोर्ट ने इसको बड़े गंभीरता से लेते हुए और ये जो प्ली थी इस प्ली को खारिज किया। बिल्कुल, और फांसी से बचने के लिए अश्विनी जी लगातार एक के बाद एक पैंतरे जो है वो इन दोषियों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और झटका लगा है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, एक और कदम फांसी के फंदे की ओर। लेकिन कानूनी अगर तौर पर समझना चाहे तो क्या अभी भी कोई ऐसे विकल्प बचे हैं अपने बचाव के लिए दोषियों के पास? देखिए, अभी अगर हम कायदे से देखें तो जो मर्सी पिटीशन पूरे चारों एक्यूज की खारिज नहीं हुई है प्रेसिडेंट के हाथ से, सिर्फ 2 एक्यूज की मर्सी पिटीशन खारिज हुई है। तो एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है बाकी 2 के लिए भी जिस समय फाइनल डिपार्चर की डेट हो उस समय मर्सी पिटीशन लगा करके, या जो एग्जीक्यूशन की डेट फरवरी की दी हुई है कोर्ट ने 1 फरवरी की, उस दिन कुछ इस तरह के ये न्यूसेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं जुडिशियल सिस्टम है, पर मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट से लेकर के अब ऊपर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक सबने डेथ पेनल्टी को मंजूर किया है और अपहेल्ड किया है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को, और ये पाया गया है कि चारों ही आरोपी हैं जो दोषी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन यह है कि प्ली लेकर के उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से अश्विनी जी यहाँ पर ये दोषियों के जो वकील है उनकी तरह से जो दलीलें यहाँ पर रखी जा रही है, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास अश्विनी जी, बने रहिए। Through and I will take legal steps, legal processes. I will avail all legal process which is available on behalf of the convict Pawan Kumar Gupta to prove the juvenility. आप आगे आपकी क्या अब क्या करेंगे? देखिए, आज हमने कोर्ट में पवन कुमार गुप्ता की जुवेनिलिटी को प्रूव करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, स्कूल का एडमिशन रजिस्टर दे दिया, स्कूल की मार्कशीट दे दी, और ये सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस के द्वारा 2017 में वेरीफाई भी किए जा चुके हैं। एक डॉक्यूमेंट जो दिल्ली पुलिस छुपाए बैठी थी, सेक्शन 91 का नोटिस, जिसके आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने वहाँ के स्कूल को दिया था, स्कूल के प्रिंसिपल को, गायत्री स्कूल के प्रिंसिपल को दिया था, जिसमें उन्होंने मांगा था कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें
दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने वहां से लाए, उनको वेरीफाई किया, सारे डॉक्यूमेंट जिन्होंने पाए गए वो सब चीजें, ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सुनी और खारिज कर दी। उन्होंने केवल उनका यही था केवल ग्राउंड, हम इस बात को पहले डिसमिस कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसी आपने देखा एक डेढ़ घंटे सारी रूलिंग दी, सारे फैक्ट दिए, इसके आधार पर जो साइटेशन दी उनके आधार पर एसएलपी भी डिसमिस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिव्यू भी डिसमिस हो चुकी हो, उसके बाद भी आप जुवेनिलिटी के इशू जो अंडर सेक्शन 7 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है उसको आपको मानना चाहिए, इसके हमने साइटेशन दिए रूलिंग। लेकिन इसमें कमजोरी क्या है, सब चीजें हमारी सही, तथ्य सबूत फैक्ट गवाही सब हमारे पक्ष में है, लेकिन मीडिया ट्रायल पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से ये हमारी चीजें सेट असाइड कर दी जाती हैं, किनारे दी जाती हैं। सारी दुनिया में आपने मीडिया आपने देखा किसी और केस में आज के आप आज इसी केस में पूरी मीडिया क्यों फुल थी, सुप्रीम कोर्ट में तो और भी कोर्टें हैं, 2012 से 2020 तक सारी प्रोसीडिंग चल रही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों केस हजारों केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर के इस देश में पेंडिंग हैं, जिनकी आप और किसी को जानकारी भी नहीं है। आपका क्या कदम होगा? हमें ऑर्डर मिलेगा इसका, अभी ओरल शार्ट में अनाउंस किया ओनली क्रक्स दिखाया कि डिसमिस, लेकिन हमें डिटेल में जो ऑर्डर मिलेगा ट्रिपल बेंच का सुप्रीम कोर्ट की, हम उस डिटेल ऑर्डर को देखेंगे पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी लीगल ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे साथ इसमें अन्याय हो रहा है और हम न्याय की लड़ाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। क्या रिव्यू फाइल करेंगे इस मुद्दे पे? अभी मुझे ऑर्डर मिले उसके बाद देखूंगा कि क्या फाइल करना है मुझे।